नमस्कार मैं हूं प्रीति बंसल न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया भावे जो बंसल हॉस्पिटल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की कंसल्टेंट है डॉक्टर प्रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं या आपको कोई समस्या है तो कार्यक्रम के दौरान सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर प्रिया से सलाह भी ले सकते हैं हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रिया भावे से डॉक्टर प्रिया सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आखिर है क्या जी ये आजकल जब हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग की बात करते हैं तो ये प्रश्न सबसे पहले आता है कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है क्या तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यदि देखा जाए तो एक ये सब स्पेशलिटी है ऑप्सिटिक्स और गायनोकोलॉजी की हम जानते हैं कि जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं यानी ऑप्शिटिशियन और गायनकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्त्रियों से जुड़ी जितनी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करते हैं वो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी और उसके प्रसव से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं आजकल ऑप्स्टेटिक्स और गायनोकोलॉजी जो विषय है इसके कई सारी सब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं सब स्पेशलिटीज़ का अर्थ होता है कि ये अपने आप में एक फोकस्ड एरिया जो महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे डील करते हैं सब स्पेशलिटीज़ की बात करें तो फीटल मेडिसिन यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी इमेजिंग के बारे में एक सब स्पेशलिटी है गाइनी ऑनको यानी महिलाओं में होने वाले जो कैंसर होते हैं वो एक सब स्पेशलिटी है hmm. उसी प्रकार संतानहीनता और संतान उत्पत्ति से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उसे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के दायरे में रखा जाता है hmm. जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करते हैं और उनका जो स्कोप है वो केवल महिलाओं तक लिमिटेड न होकर महिला और पुरुष दोनों का जो इवेल्युएशन है वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं जिस प्रकार जनरल मेडिसिन की एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी है न्यूरोलॉजी है उसी प्रकार अब बढ़ते हुए समय के साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उसके साथ एक ही ऑब्सर्टेशन गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो हर तरह की बीमारियों को डील करने में अपने आप को कई बार असमर्थ पाते हैं और उस समय जो सब स्पेशलिस्ट होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं उनका भूमिका वहाँ पर आती है जी बिल्कुल डॉक्टर अब अगर बात करें निस्तान यानी इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो कई लोग जो होते हैं वो सबसे पहला ऑप्शन एक होता है कि डॉक्टर को अगर दिखाना है तो गायनिक के पास गए बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है तो सही तरीका क्या है किसे दिखाया जाना चाहिए बिल्कुल जब भी कोई दंपत्ति ट्राई कर रहे हैं एक साल तक डेढ़ साल तक और उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो, जो है ये अपने आप में एक नया फील्ड है पिछले चार से पाँच सालों में ही इसमें जो स्पेशल कोर्सेज हैं वो चालू हुए हैं और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट अभी भी देश भर में बहुत सारे नहीं हैं तो अधिकतर जो दंपति हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही आज भी जाते हैं अपना इवेल्यूएशन कराने के लिए परंतु इसमें दो तीन बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं पहली बात यह है कि जो गायनोकोलॉजिस्ट या जो जनरल गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्सटिशियंस होते हैं वो स्त्रियों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से डील करते हैं यानी वो डिलीवरी के केसेस भी हैंडल करते हैं बच्चेदानी की सर्जरी भी करते हैं और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी का भी इलाज और इवेल्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं समय और विशेषज्ञता दोनों का कुछ अभाव रहता है जनरल गायनोकोलॉजिस्ट के पास वही हम अगर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका स्पेशलाइजेशन ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर है तो उनकी जो एक्सपर्टीज है जो उनका नॉलेज है जो उनके स्किल्स है वो अधिक ज्यादा अपडेटेड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि 50 परसेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मेल में होती हैं, 50 परसेंट फीमेल्स में होती हैं। तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट चूंकि मेल और फीमेल इन्फर्टिलिटी दोनों में ही विशेषज्ञता रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा वेल इक्विप्ड रहते हैं इनफर्टिलिटी के, के केसेस से डील करने के लिए बजाय जनरल गायनकोलॉजिस्ट के अच्छा बिल्कुल डॉक्टर अगर संतानहीनता की हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए जब कोई भी पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो सबसे पहले कौन सी वो जाँचें होती है जो बेसिक होती हैं की जाती हैं बिल्कुल देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है एक सही डॉक्टर का चुनाव और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे दिमाग में रूपरेखा होनी चाहिए कि डॉक्टर किस तरह से आगे बढ़ेंगे किस तरह से हमारा इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करेगा तो जब भी हम कपल्स uh, को देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पति पत्नी को देखा जाए कई बार महिलाएं अकेली आ जाती हैं ये सोचती हैं कि uh, जो गर्भ धारण है वो हमें होना है प्रेगनेंसी हमें कैरी करनी है तो यदि कंसीव नहीं हो रहा तो हमें जाके और डॉक्टर को अकेले ही दिखाना चाहिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है सारा जो यूनिट है इवेल्यूएशन का वो दंपत्ति है और हमेशा डायरेक्टली कभी भी जाँचों पर नहीं जाया जाता हमेशा सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कई बार बहुत ही सिंपल से कारण निकल के आते हैं जैसे पति पत्नी दोनों अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं साथ ही नहीं रह पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें कंसीव नहीं हो पाता कई बार जो साथ रहने की प्रक्रिया है वो बराबर से नहीं हो पाती उसका समय ठीक नहीं रहता तो ऐसे कपल्स में कोई भी जांच की आवश्यकता नहीं होती सिंपल काउंसलिंग से कुछ एक्सप्लेनेशन से ही उन्हें हेल्प मिलती है गाइडेंस मिलता है और वो कंसीव कर लेते हैं यदि ये वाकई में इनफर्टिलिटी का केस है यानी किसी प्रकार की और समस्या नहीं है परंतु वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो सबसे जो प्रमुख जांच की जाती है वो होती है शुक्राणु जांच hmm. ये सबसे पहला टेस्ट है और हर इवेल्युएशन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक अच्छी सीमन एनालिसिस की टेस्ट होता है इसके बाद महिला की अंदरूनी सोनोग्राफी यानी ट्रांस वेजानल अल्ट्रासाउंड किया जाता है साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट यानी थाइराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट और रूबेला की इम्यूनिटी का टेस्ट ये भी लगभग सभी महिलाओं में कराया जाता है इन दो टेस्ट के बाद हमें एक रफ अंदाजा लग जाता है कि क्या समस्या है समस्याएं चार लेवल पर हो सकती हैं पहली समस्या हो सकती है यदि पुरुष के शुक्राणु कमजोर हैं उनकी गुणवत्ता उनकी चलन शक्ति कम है दूसरा कारण हो सकता है यदि महिला के जो डिम्बाणु बन के रप्चर होने की प्रोसेस है उसमें कहीं समस्या है तीसरी समस्या हो सकती है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जहां पर एग और स्पर्म मिलते हैं यदि उनमें किसी तरह की रुकावट या ब्लॉक है

तो पुष्पा से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है डॉक्टर आगे हम बात करें निसंतानता हमने जांच की बात की कि कौन कौन सी जांचें ज़रूरी होती हैं अब अगर बात करें इलाज की तो कौन कौन से विकल्प इसके लिए मौजूद हैं किस तरीके से इसका इलाज संभव है जी यदि हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट्स जो हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं पहला होता है डायग्नोसिस यानी क्या एग्जैक्ट वो कारण है जिसके कारण संतानहीनता की समस्या है दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है कि ये कपल के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के रहेंगे इलाज के बाद तो यदि हम डायग्नोसिस की बात करें तो जो सबसे पहले हमने कारण की चर्चा की थी शुक्राणु में किसी तरह की कमी तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कभी कभी दिया जाता है जिससे शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ सकती है कुछ केसेस में जहाँ शुक्राणु बहुत ही कम है और उनकी संख्या उनकी चलन शक्ति में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है उस केस में डायरेक्टली टेस्टियो बेबी के लिए एडवाइस किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक की यदि स्थिति है तो फेलोपियन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए लैप्रोस्कोपी नाम का ट्रीटमेंट किया जाता है लैप्रोस्कोपी के बाद अधिकतर 50 से 60 प्रतिशत केसेस में ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं और नॉर्मल कंसेप्शन की प्रक्रिया संभव हो जाती है यदि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन नहीं हो पा रही हैं उस केस में भी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना पड़ता है यदि किसी कपल में एग बनने की समस्या आ रही है यानी ओव्यूलेटरी फैक्टर तो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन इनकी सहायता से फॉलिकल्स डेवलप किए जाते हैं यदि इसमें भी समस्या बहुत गंभीर है ए एम एच हार्मोन का स्तर बहुत कम आ गया है तो ऐसे केसेस को भी बिना टाइम वेस्ट किए हम टेस्ट्यू बेबी की सलाह दे देते हैं बिल्कुल डॉक्टर आईवीएफ इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और क्या सभी संतानहीन दंपतियों के लिए आई ज़रूरी है जी आजकल हम देखते हैं कि आजकल संतानहीनता के विषय में जो पहले एक टैबू माना जाता था वो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुका है बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मैगजीन्स में अखबारों में टीवी पर ऑनलाइन इसके बारे में खुल के अब चर्चा हो रही है और साथ ही इसकी अवेयरनेस भी बढ़ी है आजकल एक नया ट्रेंड ये आया है कि आजकल हम संतानहीनता या इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं हम आई स्पेशलिस्ट देखते हैं और जो सेंटर्स होते हैं वो भी इन्फर्टिलिटी सेंटर्स नहीं होते वो आई सेंटर्स होते हैं यानी उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो हर पेशेंट का आई करना चाहते हैं ये मेरे हिसाब से एक बहुत गलत ट्रेंड है संतानहीन दंपतियों की यदि बात करें तो स्टैटिस्टिकली केवल थर्टी परसेंट को आई की जरूरत पड़ती है सेवेंटी परसेंट कपल्स जो हैं वो साधारण ट्रीटमेंट से मेडिकल मैनेजमेंट से या लेप्रोस्कोपी से ही कंसीव कर सकते हैं जब हमें बार बार हम आई के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मीडिया में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम मन में ये धारणा बना लेते हैं कि इनफर्टिलिटी का इलाज यानी आई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यदि आप समय रहते अच्छे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से दिखाते हैं तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर की विशेषज्ञता इसी में है कि कितने कम से कम पेशेंट्स का आईवीएफ किया और अधिक से अधिक नॉर्मली कितने आपके दंपत्ति कंसीव कर पाए हुँ. तो ऐसे सेंटर से मरीजों को बचना चाहिए जो अपने आपको आई वी सेंटर्स कहते हैं क्योंकि आई एक प्रोसेस है जिससे संतानहीनता कुछ कपल्स में की जाती है परंतु हमें एक होलिस्टिक इलाज करना है और अधिक से अधिक कोशिश ये करनी है कि बिना आई के ही पेशेंट कंसीव हो जाए बिल्कुल डॉक्टर एक कॉलर जुड़े हैं हेमंत जो कि बड़नगर से हैं हेमंत बहुत बहुत स्वागत है आपका आ, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप हाँ मैडम मैं पूछना चाह रहा, रहा हूँ कि मिसेस की उम्र थर्टी है जी। और अभी उनको ट्वेल्व वीक की प्रेगनेंसी है जी। और उनको मैडम जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको डुफास्टन और प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट में दे रहे हैं जी तो मैडम ये आ, आ, कोई रिस्क तो नहीं है इन फ्यूचर देखिए हेमंत जी जो प्रेगनेंसी है प्रोजेस्ट्रॉन इस शब्द का अर्थ ही होता है प्रो यानी मदद करना जेस्ट यानी कि प्रेगनेंसी यानी ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन होता है यदि डॉक्टर आपके जो एग्ज़ामिन कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि किसी भी तरह का खतरा है अबॉर्शन का या मिसकैरेज का या जल्दी डिलीवरी होने का उस केस में ये हार्मोन्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके इस विषय में चर्चा करिए यदि क्लिनिकली इंडिकेटेड है यानी यदि फर्स्ट थ्री मंथ्स में ब्लीडिंग हुई है या सोनोग्राफी में कोई किसी तरह का कलेक्शन है या बच्चे की ग्रोथ कुछ पीछे है तो इस केस में ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन देना बिल्कुल सही है और हर जो दवाई होती है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ, कुछ खतरा होता ही है परंतु हमें उसका इफेक्ट चाहिए है, तो हमें उसका साइड इफेक्ट भी जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि चूंकि मैंने पेशेंट को देखा नहीं है आप अपने प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर से इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर लीजिए प्रोजेस्ट्रॉन का जो सप्लीमेंटेशन है वो कॉमन है और वो प्रेगनेंसी को हेल्प करने के लिए दिया जाता है इसमें किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल डॉक्टर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे तो आ, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं जांच और इलाज के बारे में लेकिन कारण की अगर बातचीत नहीं की जाए तो बातचीत अधूरी होगी तो क्या कुछ बेसिक कारण है जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जी देखिए हम ये सोचते हैं कि संतानहीनता का इलाज सबका एक ही तरह का चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमने अभी अभी चर्चा की चार मुख्य कारण हैं जो संतानहीनता के लिए जिम्मेदार हैं इसमें जो पुरुषों के कारण हैं उसे ऑलिगो एस्थेनो या एजुस्पर्मिया कहा जाता है ऑलिगो एस्थेनो टेराटोजूसपर्मिया का अर्थ होता है कि शुक्राणु की जो मात्रा है वो यदि निश्चित मात्रा से कम हो यानी 15 मिलियन पर एमएल इसका लोअर पैरामीटर रखा गया है यदि गतिशीलता बत्तीस प्रतिशत से कम हो या फिर जो स्पर्म्स की बनावट है वो चार प्रतिशत से कम नॉर्मल स्पर्म्स हो तो उसे ऑलिगो एस्थेनो कहा जाता है ये एब्नॉर्मैलिटी किस डिग्री की है इसके हिसाब से इसे माइल्ड मॉडरेट या सिवियर मेल फैक्टर इन्फर्टिलिटी कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब्स में भी जो ब्लॉक होता है वो या तो एक ही तरफ हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है कई बार ये ब्लॉक रिपेयर हो जाता है कभी कभी ये रिपेरेबल नहीं रहता है तो इस प्रकार ये जो चारों कारण हैं इनकी जो सीवियरिटी है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट निर्धारित होता है चारों में से कोई भी कारण यदि महिला की एज पैंतीस वर्ष से ऊपर है ए का स्तर कम हो गया है या फिर साधारण ट्रीटमेंट से ये कारण ठीक नहीं हो पा रहे हैं उस केस में फिर डॉक्टर जो है ये एडवाइस करते हैं कि साधारण ट्रीटमेंट में समय नहीं गवाना चाहिए आई के लिए जाना चाहिए परंतु यदि महिला की एज तीस वर्ष से कम है ए का स्तर अच्छा है और ट्रीटमेंट देने के बाद हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो हम साधारण ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू करके गर्भाधान की ट्राई जरूर कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पा जो कि भोपाल से हैं पुष्पा जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप जी मैम मेरे से मेरी उम्र छियालीस साल हो गई है जी, और मेरा मालकी भोजवाणी में दो बार आई बी एस हो चुका है तो वो छे लोग आई बी एस करा सकते हैं मालती जी आपकी फिफ्टी सिक्स की एज हो चुकी है कितनी एज है आपकी मेरी फोर्टी सिक्स सॉरी मैम छियालीस वर्ष की हो गई फोर्टी सिक्स वो जी वो Uh, देखिए जहाँ तक आईवीएफ का सवाल है यदि फोर्टी सिक्स ईयर्स की एज है तो सबसे पहले आपका एक होल बॉडी चेकअप होता है होल बॉडी चेकअप में केवल यूट्रस uh, और ओवरीज ही नहीं हम सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं ब्लड टेस्ट हैं मेमोग्राफी ईसीजी इको टीएमटी यानी आपका एक कंप्लीट बॉडी चेकअप किया जाता है ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी लेने की क्षमता शरीर में है कि नहीं आ, मिसाल के तौर पर यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है शुगर बढ़ी हुई है या हार्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उस केस में आई को नहीं किया जाता है जब तक कि ये चीज़ें नॉर्मल पर आ जाएँ तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि यदि माहवारी चली गई है फिर भी आई संभव है परंतु आपका पहले भी आई फेल हो चुका है और अब फोर्टी सिक्स की एज हो चुकी है तो आपको बिना समय गवाए अपना एक होल बॉडी चेकअप करके यदि आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो आप आईवीएफ के लिए ज़रूर आगे बढ़ सकती हैं यदि इन पैरामीटर्स में कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो आई का डिसीजन लेने की जल्दबाजी ना करें पहले अपने शरीर के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें क्योंकि प्रेगनेंसी शरीर के ऊपर एक बर्डन होता है प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए जो हमारे शरीर में क्षमता होनी चाहिए ये सारी इंश्योर करने के बाद ही हमें इलाज के लिए बढ़ना चाहिए नहीं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका परिणाम हो सकता है बिल्कुल डॉक्टर फैमिली प्लानिंग के जो साधन यूज़ किए जाते हैं क्या वो भी संतानहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं जी ये भी एक बहुत कॉमन मिसकनसैप्शन है जो लोगों में देखा गया है यदि हम मेडिकल ओपिनियन की बात करें तो हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए यानी जिस प्रकार हम अपनी शादी के लिए एक हाथ साल पहले से तैयारी करते हैं उस प्रकार गर्भाधान भी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके लिए भी जब हम जाते हैं तो हम मेंटली फिजिकली सोशली फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होने चाहिए और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है तो हम फैमिली प्लानिंग के साधनों का इस्तेमाल करें परंतु जितने भी गर्भ निरोधक हैं उन्हें अपनाने में कहीं ना कहीं जो नवविवाहित लोग होते हैं वो बहुत हिचकते हैं उन्हें घर वाले ये समझाते हैं कि यदि आप ये हार्मोनल टैबलेट्स ले लेंगे तो आपको आगे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी या इस तरह के साधनों से संतानहीनता हो जाएगी इस बात में बिल्कुल भी कोई तथ्य नहीं है जो हार्मोनल टैबलेट्स गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं उनमें हार्मोन्स का स्तर बहुत ही कम होता है ये जो है इनका इफेक्ट पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है यानी जिस महीने आप टैबलेट्स बंद करेंगी उसके अगले महीने से आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और ऑन द कॉन्ट्री ये जो हार्मोनल टेबलेट्स हैं ये हमें ओवेरियन सिस्ट एनीमिया माहवारी की अनियमितता ऐसे बहुत सारे चीज़ों से बचाती हैं तो जब भी कोई दंपत्ति जिनकी शादी हुई है वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो वो इस गर्भ निरोधक साधनों को अपनाने से बिल्कुल भी नहीं हिचके इनका यूज का इनफर्टिलिटी से कोई भी दूर दूर तक का संबंध नहीं है बिल्कुल डॉक्टर एक कॉलर जुड़ी हुई हैं प्रीति जो कि खंडवा से हैं प्रीति बहुत स्वागत है कार्यक्रम में क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप मैडम मेरे ना दोनों फ्लोपिंग ट्यूब है ना बंद थे तो एक है ना मतलब उसमें बच्चा मतलब आ गया था तो एक निकाल दे और एक बचा है। जो ट्यूब बची है उसकी जांच हुई है प्रीति क्या वो चालू है वो बोल रही थी कि की देखी है तो बोले कि दो मतलब वो ब्लोकी है तो दूसरी मैडम बोल रही थी कि ना, वो करवाओ तो क्या, करवा क्या? प्रीति मेरे हिसाब से यदि दूसरी ट्यूब एच एस जी टेस्ट में जो आपने बताया एक्सरे में ब्लॉक आ रही है तो हमेशा एक लैप्रोस्कोपी करना अच्छा रहेगा उसके दो कारण हैं पहला कारण यह है कि कई बार लैप्रोस्कोपी में हम एक ट्यूब ओपन कर पाते हैं यदि ट्यूब ओपन हो जाती है और वो पूरी तरह से नॉर्मल है तो शायद आप नॉर्मली ही कंसीव कर पाए दूसरा ये होता है कि यदि ट्यूब हम ओपन नहीं भी कर पाए तो भी ये ट्यूब्स में कौन सा इन्फेक्शन था जिसके कारण ये ब्लॉक हो गया ये जानने में लैप्रोस्कोपी हमारी मदद करती है बहुत एक जो कॉमन कारण है ट्यूब्स में ब्लॉक होने का वो है बच्चेदानी की टीबी तो हमेशा डायरेक्टली आईवीएफ पे ना जाके मेरा हमेशा मानना है कि लेप्रोस्कोपी करा के ट्यूब ओपन करने की कोशिश की जाए और जो ब्लॉक है उसका कारण जानने की कोशिश की जाए और उसके बाद ही यदि जरूरत पड़े तो फिर आप आई के लिए जाए डायरेक्टली आई पे जाना सही नहीं रहेगा बिल्कुल डॉक्टर क्या संतानहीनता का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है इसका सक्सेस रेट क्या है ये भी बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है या एक कॉमन गलत धारणा है लोग ये सोचते हैं कि संतानहीनता का इलाज यानी लाखों का इसमें खर्च होगा और सक्सेस भी नहीं होगा बार बार कराना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमने शुरू में बात करी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस की तो जो रिजल्ट है और जो खर्च है वो डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों पर डिपेंड करता है यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो चार डायग्नोसिस है उनमें से कोई भी है परंतु वो माइल्ड है यानी कि शुक्राणु कुछ कम है अंडे कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे यानी सिवियर प्रॉब्लम नहीं है तो आपका सिंपल टैबलेट से ही इलाज हो सकता है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है महिला की आयु यदि महिला की आयु 30 वर्ष के अंदर है और उनका ओवरी का रिजर्व अच्छा है तो कोई भी ट्रीटमेंट जो है उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें खर्च भी कम आता है तो इस बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें ऐसा नहीं है कि संतानहीनता का इलाज महंगा है हाँ यदि हम बहुत सालों तक साधारण इलाज कराते रहे यदि हम अंधेरे में तीर मारते रहे बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के हम इलाज कराते रहेंगे तो फिर जब एज 35 वर्ष से अधिक हो जाएगी एएमएच कम हो जाएगा उस समय जरूर हमें बड़े इलाज के लिए ही जाना पड़ेगा और ये डेफिनेटली महंगा होता है तो समय पर अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो आप बहुत सारे खर्च बहुत सारी मानसिक परेशानी और बहुत सारी तकलीफ से बच सकते हैं जी डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दर्शकों के साथ शेयर की धन्यवाद तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर साथ ही बताएंगे उसके उपाय भी फिलहाल दीजिए इजाजत नमस्कार